जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है इसका एक ट्रक चला था फैक्ट्री से हसनगढ़ के लिए हरियाणा में, और पतंजलि के पास इसको कुछ अज्ञात लोगों ने अपनी गाड़ी से ओवरटेक करके इसको ओवरपावर करके कब्जे में ले लिया था, और इसका जो सारा माल है वो एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके खाली ट्रक को छोड़ दिया था। ये सामान करीब 1 करोड़ रुपये का था, तो 1 करोड़ रुपये की लूट करीब लिखी गई थी। उस दिन से ही हमारी पुलिस की टीम लगातार इसमें लगी हुई थी पिछले 5-6 दिनों से, और अंततः इसमें सफलता प्राप्त हुई, जबकि इसमें 2 अभियुक्त इस घटना में जो थे शामिल, सुनील और शैलेश, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, और इनकी निशानदेही पर 90% यानी 90 लाख का माल पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाकी 10 लाख के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनके साथ 3 लोग और इस घटना में शामिल हैं, इनकी तलाश की जा रही है, और ये काफ़ी एक अच्छी रिकवरी है, एक अच्छा काम है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त ट्रक था वो भी बरामद हो गया है, जो दूसरा ट्रक जिसमें इन्होंने माल ट्रांसफ़र करके तीसरी जगह छुपाया था वो भी बरामद हो गया है। इनमें से एक जो सुनील है, यह काफ़ी कुख्यात अपराधी है जिस पर कि कई दर्जन मुकदमे हैं। एक अभी लेटेस्ट इसने पंजाब में एक और डकैती की थी एक सुनार के यहाँ, उसमें भी ये वांछित चल रहा है, और इसमें 2500 रुपये के इनाम की मेरे द्वारा घोषणा की। ज्वालापुर का भी